झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पिछले 10 साल से शिक्षा देने में जुटी हुई एनजीओ नोबल फाउंडेशन की ओर से अपना वार्षिक समारोह का आयोजन गुरु नानक भवन में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंजाब केसरी के मुख्य संपादक व पद्मश्री वीर चोपड़ा ने की। इस मौके पर 6 राज्यों की 16 प्रमुख महिला हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिन्हें सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से J&K के DGP SP वैद्य व इनकम टैक्स लुधियाना के चीफ कमिश्नर विनय कुमार झा उपस्थित हुए। इनका स्वागत फाउंडेशन के प्रधान रजिंदर शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों को किताबें, बैग व फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित हुई 150 महिलाओं को सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस अवसर पर स्लम स्कूल के बच्चों द्वारा बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। यह चौथा सम्मान समारोह है जिसे विच लेडीज को सम्मान देता है। उन सारे मुबारकबाद और रजिंदर जी ने खास मुबारकबाद के फंक्शन बहुत अच्छा है और उनका चयन बहुत अच्छा है। मुझे याद आता है कि इस वक्त पहला स्कूल खुलिया बहुत छोटी जगह थे, एक सानू लै गए तो मैंने उम्मीद नहीं सी कि मेरा इन्ना विस्तार होएगा, क्योंकि जिंदर शर्मा ना तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना कोई ऐसा कारखाना चलता है, ना कोई लीडर है, एक इंश्योरेंस कंपनी वर्कर है, लेकिन आज 4,000 के ऊपर बच्चे हैं, 26 स्कूल हैं जगह जगह पंजाब में, और इन्हें साल चलाना भी बड़ा औखा काम है। कोई पंजाबी लगातार 15 साल काम करे और इन्हें बच्चों को लगातार पढ़ाए और इन्हें स्कूल चलाए मुश्किल गल है। थोड़ी जी तालियां लगा दें। तो लगातार एक इन्होंने मुहिम चलाई है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर पहुंच है। ये ज्यादा बच्चे यूपी बिहार के हैं, अच्छ साढ़े बच्चे जोड़े हैं किसान के वो खेतों च नहीं जाते हैं, वो सब बस जा रहे हैं। साड़िया फैक्ट्रिया भी हूँ यूपी बिहार ही देी वर्कर इतने काम करके राजी नहीं, वो इतने प्यो का मूंह पूंजना गल नहीं समझना, अंग्रेजों की लैटरिन साफ करते हैं। पंजाब तेजी नाल खाली हो रहा है, तेजी नाल खाली हो रहा है। कुछ दिन पहला जलंधर एक पटियाले की फर्म है, फैंसी लाइट्स उन्होंने बूटा का काम, शूज का काम शुरू किया, तो 2-3 जगह उन्होंने 18 खोले बकरी जगह से शोरूम, तो वो कहेंगे जलंधर खोलना तो तुम ओपनिंग करनी है। तो मैं क्या गल है कि तुम थोड़े शूज सारे देखे कमाल करती तुसी, लेकिन 20 साल बाद इतने बुढ़े रह जा रहे हैं, तो यहो जे शूज भी बनाने शुरू कर दो जो बुढ़े पा सकन। सारे मुझे बढ़िया तालियां मिल गई। पंजाब एक तरह का खाली हो रहा, उसका नुकसान भी है तो फायदा भी हो रहा। नुकसान यह है कि बच्चे बाहर दौड़ी जा रहे हैं, उन्होंने देखा देखी शहरी बच्चे भी जा रहे हैं पढ़ने के बहाने, तो उन्होंने वापस नहीं आना। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि रोज की मार घाट से मुझे आपने निकाल कर यहां लाया, और ये जो आपने इज्जत और मान दिया, ये इसका हकदार मैं नहीं हूं। मेरा वो जवान है, सिपाही है, जो रोज कश्मीर में जंग से जूझता, और एक बड़े ही मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं, जहां हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक प्रॉक्सी वॉर लगाई हुई है, और हमारे वहां जो भी कश्मीर में रह रहा है बड़ा बहुत ही
मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूं उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजर रही है। और मैं देख रहा था ये नन्हे नन्हे बच्चे, आप 26 स्कूल चलाते हैं और 4000 बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इनकी आंखों में भगवान का स्वरूप दिखता है। और ये मेरे उस देश के वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो जिंदगी की इस राह में मेरा देश चल रहा है, इनके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये हमारी जो स्लम्स हैं, ये अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का एक ऐसा देन है जिनको अगर हम साथ नहीं ले चले तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। और मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, नोबल फाउंडेशन जो काम कर रही है, मैं कहता हूं कि आपने एक एग्जांपल सारे मुल्क के लिए बना के रखी है। नोबल फाउंडेशन द्वारा एनुअल फंक्शन गुरु नानक देव भवन पद्म श्री विजय चोपड़ा जी की अध्यक्षता में हुआ और इसमें जो चीफ गेस्ट थे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर एसपी बैद आईपीएस डिप्टी कमिश्नर ऑफ जनरल पुलिस और श्री विनय कुमार झा आईआरएस चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना और लुधियाना की बहुत सारी इंडस्ट्रीज के हीरो साइकिल एवन साइकिल ग्रुप के मालिक थे। आज हमने 6 स्टेट से 16 उन औरतों को बुलाया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, समाज में, ब्यूरोक्रेसी में और इंटरप्रेन्योर पानी के ऊपर इतना बड़ा काम किया है। तो 6 स्टेटों में आके उन औरतों ने हमारा नोबल फाउंडेशन का मान बढ़ाया। मेरे को ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, इन 16 औरतों में से जो हमने एक सिलेक्शन की है ये थ्रू मीडिया की है। हम इनको किसी को, सिर्फ एक को छोड़ के जो लुधियाना के हैं उनको छोड़ के बाकी 15 को आज हमने पहली बार दर्शन किए हैं उनके। तो हम उनको धन्यवाद करते हैं कि नोबल फाउंडेशन के ऊपर उन्होंने इतना विश्वास किया। जैसे आमला मैम जी, वो बॉम्बे से आए हैं अपना पैसा खर्च करके, वो पानी ही राजस्थान में उन्होंने काम किया। तो आज बच्चों ने संस्कृत प्रोग्राम पेश किया है, हमने जो बच्चों को स्लम एरिया में जो स्लाइस खाते हैं हम उन बच्चियों का हमने सर्टिफिकेट दिए हैं और बच्चों को हमने बुक्स बैग का आज एक फॉर्मल फंक्शन। टोटल 27 स्कूल है, पिछले हमारे 3991 बच्चे थे, अब इस सेशन में हमारे पास 32 स्कूल हो जाएंगे और उस स्कूल की जो संख्या 5000 के करीब हो जाएगी। जैसे डीजीपी साहब ने बोला है कि जैसे नोबल फाउंडेशन काम कर रही है तो हिंदुस्तान में जो है सारे बच्चे स्कूल में जाएं, तो नोबल फाउंडेशन का यही एक मिशन है कि कोई दिन ऐसा आएगा कि नोबल फाउंडेशन जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन सारे बच्चों को स्कूल भेज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है वो पूरा करे। सरकार की मदद की बात करें, पिछले 10 साल से ये नोबल फाउंडेशन चल रही है, सरकार की तरफ से हमने ना कोई पैसा मांगा है ना हमें जरूरत है। तो माननीय नवजोत सिंह सिद्धू जी ने लास्ट ईयर एक 3 लाख और 10 लाख की जो ग्रांट हमें 20 अप्रैल को और 17 सितंबर को जो भेजी थी वो हमने अनाउंस की थी, वो हमें अप्रैल में मिली है। तो हमारा 10 साल के अंदर तकरीबन 9 करोड़ रुपया खर्च हो गया, सिर्फ 13 लाख की ग्रांट आई है। हमारे जो लुधियाना के जो लोग हैं इनका बहुत बड़ा दिल है, हम मांगने नहीं जाते, लोग खुद नोबल फाउंडेशन को देने के लिए आते। जागती लड़के लिए लुधियाना से बलराज खन्ना की रिपोर्ट।